हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पीवाईक्यू इन वन मिनट। आज हम केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस चैप्टर से सीबीएसई 2023 में 2 मार्क्स में पूछा हुआ एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे। इसके अंदर क्या पूछा था कि व्हेन कॉपर पाउडर इज हीटेड इन ए वॉच ग्लास ए ब्लैक सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। जब कॉपर के पाउडर को वॉच ग्लास में हीट किया जाता है तो एक ब्लैक कलर का सब्सटेंस फॉर्म होता है। हमारे को क्या करना है, उस ब्लैक कलर के सब्सटेंस क्यों फॉर्म होता है उसका रीजन बताना है और उसका नाम भी बताना है। साथ में हमारे को दूसरा क्वेश्चन ये पूछा है कि हाउ कैन दिस ब्लैक सब्सटेंस बी रिवर्स्ड टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म, कि जो ब्लैक सब्सटेंस बना है उसको वापस से हम पहले वाली फॉर्म में कैसे ला सकते हैं। तो सबसे पहले तो समझते हैं कि जब उसको हीट किया जाता है तो क्या हो रहा होगा। तो हीट करने के लिए पहले बात तो कॉपर को हीट करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी होगी। तो कहने का मतलब है कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया होगा हीट करने पर और कॉपर ऑक्साइड बना होगा। ये कॉपर ऑक्साइड ही क्या है, ब्लैक कलर के पाउडर में कन्वर्ट हो गया होगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर तो हमें पता चल गया कि ऑक्सीजन इज एडेड टू कॉपर, दैट्स व्हाई कॉपर इज ऑक्सीडाइज, और कॉपर के ऑक्सीडाइज होने की वजह से उसका कलर जो कि स्लाइटली ब्राउन होता है उससे कन्वर्ट होके क्या हो गया है, ब्लैक हो गया है। और ब्लैक कलर का जो सब्सटेंस बना है उसका नाम क्या है, कॉपर ऑक्साइड। अब सेकेंड क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, हाउ कैन दिस ब्लैक सब्सटेंस, जो कि कॉपर ऑक्साइड का जो ब्लैक सब्सटेंस है उसको हमें वापस कैसे रिवर्स करना है। तो हमारे को अभी यहाँ पे देखा हमने कि कॉपर ऑक्सीडाइज हुआ है, अगर हम कॉपर की रिएक्शन हाइड्रोजन गैस से करवा दें तो हाइड्रोजन गैस क्या होगी, ऑक्सीजन को अपने साथ कनेक्ट कर लेगी तो H2O का फॉर्मेशन होगा और साथ में कॉपर वापस से क्या हो जाएगा, रिड्यूज हो जाएगा और रिड्यूज होके अपने पहले वाले ब्राउन कलर के पाउडर की फॉर्म में वापस आ जाएगा। आई होप दोनों का आंसर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से वन मिनट पीवाईक्यू को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।